हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा की रेसिपी। कच्चे आम का मुरब्बा बहुत कम सामान में झटपट से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1.5 किलोग्राम ताजी कच्ची कैरी ली है। कच्ची कैरी को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वाश करके सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। सबसे पहले हम सारी कच्ची कैरी की ऊपरी परत को छीलकर इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं अभी आम का सीजन चल रहा है और आम के सीजन में कच्चे और पक्के दोनों तरह के आम मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आप लोग कच्चे आम का मुरब्बा बनाकर कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज खाने में साल भर तक कर सकते हो, वो खराब नहीं होगा। इस तरह से हमने सारे कच्चे आम की ऊपरी परत को छील लिया है। अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमने सारी कच्ची कैरी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम ग्रेट की हुई कच्ची कैरी को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए 1.5 किलोग्राम के लगभग कच्ची कैरी ली थी। कच्ची कैरी के छिलके निकालने के बाद और गुठलियां निकालने के बाद 1 किलोग्राम के लगभग कच्ची कैरी रह गई है। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 1 किलोग्राम चीनी। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए जितनी मात्रा में हमने कच्ची कैरी ली है उतनी ही मात्रा में हमने चीनी भी ली है। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची। इस तरह से हमने कच्ची कैरी का मुरब्बा बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम ग्रेट की हुई कच्ची कैरी को कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी मिला देंगे। कच्ची कैरी और चीनी को अच्छे से मिला देंगे। चीनी और कच्चे आम को अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम इसे गैस पर रखेंगे। हमने कच्ची कैरी और चीनी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और चीनी गुलने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें तेज आंच पर कच्ची कैरी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और कैरी को तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती और हर थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर कच्ची कैरी को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और कैरी भी थोड़ी पक गई है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसमें 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे मुरब्बे का कलर अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मुरब्बे में थोड़े मसाले ऐड कर देने से हमारे मुरब्बे का टेस्ट और बढ़ जाएगा। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची डाल देंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। मुरब्बे में इलायची पाउडर ऐड करने से मुरब्बे की खुशबू और इसका टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे। हमने इलायची पाउडर को भी कैरी में अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी रखेंगे और चाशनी को 5 से 6 मिनट तक और चलाते हुए पका लेंगे। हमें इलायची पाउडर और मसाले ऐड करने के बाद इसको पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चाशनी गाढ़ी हो गई है और मसाला भी अच्छे से सिक गया है और मुरब्बे की खुशबू भी अच्छे से आ रही है। हमें मुरब्बे को इतना ही गाढ़ा रहने देना है। जब ये ठंडा होगा तो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मुरब्बा बन गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम मुरब्बे को 2 से 3 मिनट तक और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। कढ़ाई गर्म है, यदि हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो मुरब्बा जल जाएगा और मुरब्बे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमने कच्ची कैरी के मुरब्बे में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, बिना पानी के ही मुरब्बा बनाया है।
हमें गैस बंद करने के बाद मुरब्बे को चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मुरब्बा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने गैस बंद करने के बाद मुरब्बा को आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था। मुरब्बा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मुरब्बा रखने के लिए हमने इस तरह का ढक्कन वाला कांच का बाउल लिया है। आप लोग जब भी अपने घर पर मुरब्बा बनाएं, मुरब्बा रखने के लिए इस तरह का कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। यदि हम तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम के कंटेनर में रखेंगे तो मुरब्बा खराब हो जाएगा और मुरब्बे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, कच्ची कैरी का मुरब्बा देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप लोग इस तरह से कच्चे आम का मुरब्बा बनाकर पूरी, पराठे, चपाती, खिचड़ी और दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी कच्चे आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज नई नई रेसिपीज लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।